इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज की खसूसी पेशकश में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करते हैं देश के लिए मुसलमान कितना ज़रूरी था, है और रहेगा। इस उन्वान पर देश में तकरीबन 800 साल मुस्लिम बादशाहों ने राज किया, जिनमें अक्सर अफगानिस्तान से आए हुए थे, जो कि अखंड भारत के हिसाब से अफगानिस्तान भारत में ही था। मुस्लिम बादशाह देश की दौलत कहीं लेकर नहीं गए, बल्कि यहीं भारत में ही खर्च किए, जिसकी बदौलत भारत सोने की चिड़िया कहलाया जाने लगा। मुसलमान बादशाहों ने देश को तहजीब, सकाफत और दौलत से माला माल किया और यही वजह थी जो अंग्रेज़ों को भारत खींच लाई। अंग्रेज़ों ने तकरीबन 350 साल तक हुकूमत की और देश की सारी दौलत इंग्लिस्तान भेज दी और देश को मफलूकुल हाल बना दिया। अंग्रेज़ों को भारत से भगाने और देश को आज़ादी दिलाने के लिए भारत के मुसलमानों ने कड़ी जद्दोजहद की और यहाँ तक कि अपनी जानें भी देश के लिए निछावर कर दी। दिल्ली से लेकर पेशावर तक ऐसा कोई दरख्त नहीं था जहाँ पर मुसलमानों की लाशों को लटकाया गया न हो। कई बहनें बेवा और कई बच्चे यतीम हुए, तब जाकर ये देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक मुसलमान एक पंक्चर निकाल वाले से लेकर देश के राष्ट्रपति तक बनकर देश के लिए अपनी खिदमात अंजाम देते आ रहा है। हमने देखा कि हाल ही में कोरोना के कहर की वजह से देश में लॉकडाउन किया गया, जिसका ऐलान बिल्कुल अचानक किया गया था और जिसकी वजह से मजदूर पेशा और गरीब जनता को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। कई घर दो वक्त की रोटी तक के लिए महरूम हो गए। प्रवासी मजदूर सवारियां न होने की वजह से अपने अपने गांव पैदल चलकर जाने पर मजबूर थे। इस मुश्किल घड़ी और ज़रूरत के वक्त कोई शहर और गांव ऐसा नहीं होगा जहां के मुसलमानों ने ज़रूरतमंदों की मदद न की होगी। हर शहरा, हर सड़क पर मुसलमान पैदल चलने वालों की मदद करते हुए नजर आ रहे थे। कहीं खाना देने के काम तो कहीं पैदल चलने वालों को चप्पल मुहैया करने का काम तो कहीं पैसे बांटते हुए नजर आ रहे थे। कई एक मुसाफिरों ने सोशल मीडिया पर ये एतराफ किया कि अक्सर और बेशतर जगह से हमें मुसलमानों से ही मदद मिली। आज भी हम देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से मरीजों के लिए दवा, इंजेक्शन, ऑक्सीजन का इंतज़ाम, अस्पतालों में मरीजों की सेवा और यहाँ तक कि मरने वालों की तदफीन और गैर मुसलमानों के लिए अंतिम संस्कार तक की जिम्मेदारी मुसलमान निभाते आ रहे हैं। अगर मैं सिर्फ अपने शहर बेलगाम की बात करूँ तो यहाँ पर कई एनजीओज हैं जो आज तलक लोगों की खिदमत करते हुए आ रहे हैं, जिनमें अलखरा, बेलगाम अंजुमन इस्लाम, मदीना फाउंडेशन, विजन फाउंडेशन, गरीब नवाज फाउंडेशन, TSS, टीपू सेना, मुस्लिम लीग, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह। इतना ही नहीं बल्कि फारूक नवाब जैसी फैमिलियां भी अपने तौर पर ज़रूरतमंदों की खिदमत अंजाम दी हैं। मुसलमानों ने जो इमदादी काम पूरे देश भर में किया है, ये न तो किसी को दिखाने के लिए, न तो कोई छवि बनाने के लिए, ये काम तो बस अपना दीनी फरीजा यानी धार्मिक काम समझकर किया है। हालांकि हमने देखा कि लॉकडाउन के शुरुआती दौर में मुल्क से गैर मुल्क से आए हुए जमात वालों को गिरफ्तार करके दुनिया भर में भारत की अतिथि देवभव की छवि को दागदार किया गया। मुल्क भर में मुसलमानों के लिए नफरत फैलाई गई, कई जगह मारा पीटा गया, गरीब ठेले वालों पर जुल्म ढाया गया, उल्टे सीधे डॉक्टर यानी छेड़छाड़ की हुई वीडियोस डालकर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई, मुसलमानों का सोशल बैकआउट करने की बात कही गई। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने
कोई कसर नहीं छोड़ी मुसलमानों को बर्बाद बदनाम करने की। इन नफरतों और इल्ज़ामात के ताल्लुक से बॉम्बे हाई कोर्ट, औरंगाबाद हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट ने अपना फैसला हाल ही में सुनाया कि दिल्ली और केंद्रीय सरकार ने अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया और गैर मुल्की जमातों पर FIR दर्ज करके पूरी दुनिया भर में अतिथि देव भव की छवि को ख़राब करने का काम किया है। लेकिन इन सब नफरतों के बावजूद मुसलमानों ने इंसानियत की भलाई के कामों को नहीं छोड़ा। रात देखा न दिन, बस खुलूस के साथ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए इंसानियत की खिदमत अंजाम देते रहे। माजी से लेकर हाल तक मुसलमानों ने हर हाल में देश की खिदमत की है और करते आ रहे हैं, और इस्लाम की यही सीख और यही तालीम है। भारत देश की पहचान यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी अनेकता में एकता की है, और भारत बनता है अलग अलग भाषा और अलग अलग धर्मों से। देश के लिए मुसलमान उतना ही अहम है जितना इंसान के लिए पानी। देश में हर मजहब का मानने वाला देश में मुसलमान के बगैर नहीं रह सकता। हम सबको एक दूसरे की आदत हो चुकी है और हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। कुछ लोग होंगे जो नफरत के पुजारी हैं, लेकिन अक्सर तो ऐसे हैं जो एक दूसरे का छोटा सा नुकसान तक बर्दाश्त कर नहीं सकते। लॉकडाउन और कोरोना ने हमें समझाया कि देश नफरत से नहीं बल्कि प्यार से चलता है। नफरत करने वालों को अदालतों ने भी लुताड़ा और समझाया कि देश में नफरत नहीं बल्कि प्यार चलता है, जिसका सबूत मुसलमानों ने नफरत के बावजूद प्यार से बखूबी समझाया। और यही इस्लाम की सीख और प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस्लाम का सबसे मजबूत अमल प्यार है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।